वर्ग प्रथम के मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं रानी मैडम आप लोग को हिंदी सौम्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग को पाठ 9 पढ़ना है जिसका शीर्षक है कुट्टी। क्या है शीर्षक बच्चों? कुट्टी। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो हम यहाँ श्वेत पट पर लिख दिए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लेंगे बच्चों। यह एक कहानी है, इसमें दो मित्र का कहानी है। अपने मित्र से कभी रूठना नहीं चाहिए। रूठने पर हमें एक दूसरे की सहायता याद आती है और जरूरत भी पड़ती है। आइए इस कहानी को पढ़कर हम लोग जानें कैसे एक मित्र दूसरे से रूठ जाते हैं और उसको फिर कितना तकलीफ उठानी पड़ती है। चलिए कहानी आप लोग ध्यान से सुने और इसे अपने बुक को खोलकर उंगली भी अपने बुक पे डालें। बच्चों ध्यान से सुने। एक बंदर और ऊंट में अच्छी दोस्ती थी। किसमें दोस्ती थी बच्चों? बंदर और ऊंट में। पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। अनबन मतलब झगड़ा। दोनों में किसी बात लेकर के झगड़ा हो गई। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की याद बहुत आती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था, तभी उसे उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई। बच्चों कौन बैठा था तालाब पे? तालाब के किनारे कौन बैठा था? बंदर। कहाँ बैठा था? पेड़ पर। और उसे उस पार के अमरूद की महक आई। अब क्या था आगे देखो बच्चों। बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ा होगे? दोनों में तो झगड़ा हो गया था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उस पार अमरूद इतना फला हुआ है और हम ना खाएं। इसीलिए फिर वह झुक करके और ऊंट के पास जाता है और बोलता है, हमको उस पार छोड़ दोगे? तो ऊंट भी सोचता है, ऊंट को भी अच्छा नहीं लग रहा था उससे झगड़ा करके, इसलिए वह भी कहता है, क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है, ऊंट ने कहा। ऊंट ने तुरंत अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के उस पार अमरूद के बाग में जा पहुंचा। ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए, ऊंट को भी खिलाए। क्या खाए बच्चों? अमरूद। कौन कौन खाया? बंदर और ऊंट। कहाँ बैठकर खाया? ऊंट के पीठ पर बैठकर बंदर तोड़ते गया, खाते गया और ऊंट को भी खिलाते गया। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो क्या होता है आगे। माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। कौन बोला? बंदर बोला कि माफ करना, मुझे तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की है। मैं आखिर बंदर ने कह ही दिया। हाँ और मैंने भी, ऊंट बोला। बंदर बोला कि मैं तुमसे झगड़ा करके बहुत बड़ी भूल की। तो ऊंट भी कहता है कि हाँ मैंने भी बहुत बड़ी भूल की। तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, बंदर ने कहा। तब फिर बंदर बोलता है, आज से मेरा झगड़ा खत्म, अब हम लोग दोस्त बन गए। तो फिर ऊंट क्या कहता है? सो सुनो, वह तो कब की हो गई, ऊंट ने कहा और हंस दिया। बंदर की खिलखिलाहट बंदर भी खिलखिला कर हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे, फिर दोनों तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। दोनों में जो झगड़ा था वह दोनों में दोस्ती हो गई, इसलिए दोनों बहुत खुश थे और वह फिर उसके पीठ पर बैठकर तालाब के किनारे चले गए। इस कहानी को बच्चों आप लोग बार बार पढ़ेंगे। पढ़कर इसके आगे कुछ शब्दार्थ भी दिया गया है, इसे भी याद कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे इसमें जो चैप्टर डिस्कशन होगा उसको भी हम बोर्ड में कर देते हैं, आप लोग उसे भी नोट करेंगे। बच्चों अब आइए हम लोग पार्ट 9 का चैप्टर डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में है, यानी पहला क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक में सही का टिक लगाना है। सही विकल्प पर 9 का चिन्ह लगाइए। इसका क है, क में है बंदर किसकी पीठ पर बैठा था। इसके ऑप्शन में है शेर की, सियार की, ऊंट की। बच्चों किसके पीठ पर बंदर बैठा था? ऊंट की।
की सीट पे, ऊंट की पीठ पे। देखिए यहाँ आप लिख दिए हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 100 नंबर ऊंट की। दूसरा क्वेश्चन है ख, ख में है ऊंट और बंदर कहाँ पहुंचे। ख में क्या है बच्चों, ऊंट और बंदर कहाँ पहुंचे, बाग में, बाजार में, जंगल में। इसका आंसर अ होगा जो हम यहाँ लिख दिए हैं, बाग में। क्वेश्चन नंबर ग देखिए बच्चों, बंदर को किस फल की महतारी। क्या है क्वेश्चन बच्चों, बंदर को किस फल की महतारी। इसमें है केले की, अमरुद की और संतरे की। इसका आंसर होगा ब, अमरुद की। देखिए यहाँ इसको हम स्वेट पेपर पर लिख दिए हैं, आप लोग अपने किताब में टिक कर ले। और क्वेश्चन नंबर घ है, घ में है ऊंट और बंदर ने कौन सा फल खाया। अंगूर, आम, अमरूद। कौन सा फल खाया बच्चों, अमरूद। अमरूद होगा 100 नंबर का। ये कंप्लीट हुआ। और आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर हम यहाँ स्वेट पेपर पर लिख दिए हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। बंदर कहाँ बैठा था, पहला क्वेश्चन है बंदर कहाँ बैठा था। इसका उत्तर होगा बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। क्या होगा बच्चों इसका उत्तर, बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर दो देखिए बच्चों, जो ख लिखा हुआ है इसमें है, क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया। क्या ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया। इसका उत्तर होगा हाँ, ऊंट बंदर को तालाब के उस पार ले गया। क्वेश्चन नंबर ग है, इसका क्वेश्चन है, क्या अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई। इसका आंसर होगा हाँ, अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई। अब इसके आगे देखिए बच्चों, शब्द बोध है। शब्द बोध में आपके बुक में चित्र बना हुआ है, पेड़ का चित्र है, क में पेड़ का चित्र है, ख में अमरुद का चित्र है और ग में ऊंट का चित्र है। इसको जो लिखा हुआ है उसमें चित्र को मिलाना है। तो क को हम क्या है, वृक्ष है, तो सेकंड वाला में दूसरा नंबर में जो है वृक्ष उसमें मिला देंगे। पेंसिल से इसको मिलान कर दीजिएगा। और यहाँ अमरुद है ख में, इसको अमरुद में मिला दीजिएगा। और यहाँ ऊंट का चित्र है, ऊंट के चित्र को ऊंट में मिला दीजिएगा। ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो है, पढ़िए समझिए। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो है, पढ़िए समझिए और लिखिए। इसमें क में है चाचा जी आ रहे हैं। क्या है क में, चाचा जी आ रहे हैं। इसमें है दिया हुआ मामा जी भी दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ लिख दिए हैं बच्चों जा रहे हैं, इसको भर लीजिएगा आप लोग। सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं भराएगा। तीसरा नंबर में ग में है सीमा आ रही है, इसका होगा गीता किताब पढ़ रही है। इसमें रही है भराएगा, इसको भर लीजिएगा आप लोग। घ में है मुन्नी आ रही है, इसमें है चुन्नी गा रही है। ये दोनों को भी आप लोग भर लीजिएगा। अब आगे देखिए, व्याकरण बोध है। इसमें समान अर्थ वाले शब्दों के सही जोड़े बनाइए। इसमें समान अर्थ दिया हुआ है, इसमें आप लोग को भी जोड़ा लगाना है यानी मिलान करना है। इसको हम सही सही यहाँ स्वेट पट पर लिख दिए हैं, सही सही सामने सामने लिख दिए हैं। आप लोग अपने बुक में मिलान कर लीजिएगा। सर, सर के सामने होगा घूमना, सर को टिक लगा दीजिए घूमना से, मिलान कर दीजिए। अनबन को झगड़ा से कर दीजिए, महक को खुशबू से कर दीजिए, वृक्ष को पेड़ से कर दीजिए। धन्यवाद।